हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम रीड करेंगे। विच एंगल हैज़ ए लार्जर मेजर, किस एंगल के पास सबसे बड़ा, किस एंगल की जो मेजर है वो बड़ी है। फर्स्ट एस्टीमेट, पहले ऐसे ही आप पता लगाइए, ऐसे ही देख के पता लगाइए कि कौन सा बड़ा है, एंड देन मेज़र, फिर इसको आप मेज़र करिए। तो मेज़र ऑफ एंगल ए यहाँ लिखनी है, मेज़र ऑफ एंगल बी यहाँ लिखनी है। तो हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, तो प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। प्रोट्रैक्टर का डी पॉइंट जो है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ है ये, तो यहाँ पे हम इसका डी का मिड पॉइंट रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे और इसको मेज़र करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो रे है हमारी वो इस साइड आ रही है, और इस साइड हमारा ज़ीरो कहाँ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो हम काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40। ये रे हमारी कहाँ पे आ रही है, 40 डिग्री पे। तो हम इसमें एंगल की मेज़र लिख देंगे 40 डिग्री, राइट। देन नेक्स्ट हम इस एंगल को मेज़र करेंगे, तो इस एंगल को मेज़र करेंगे, तो इसका मीटिंग पॉइंट है ये, तो यहाँ पे हम ये प्रोट्रैक्टर का डी पॉइंट रखेंगे। अब डी पॉइंट हम रखेंगे तो इसको हम मेज़र करेंगे कि ये कितने डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो इसको मेज़र करेंगे हम, अब हम देखेंगे हमारी रे इस साइड आ रही है, और इस साइड हमारा ज़ीरो कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। तो हम अंदर की तरफ के ही एंगल लेंगे, अंदर की तरफ के एंगल क्या हुए, 0, 0 के बाद हम चले 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60। अब 60 से ये बीच में जा रहा है, बीच में जा रहा है यहाँ पे, तो यानी कि इसका मेज़र क्या हो गया, हर ये बड़ा खाना क्या होता है, पांचवा खाना होता है। तो 60 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 65 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी मेज़र लिख देंगे, मेज़र ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, और मेज़र ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। पहले इसने एस्टीमेट करने को कहा, तो हम एस्टीमेट वैसे ऐसे ही देख के लगा सकते हैं। हम देख कहते हैं कि जो रे एक दूसरे की ओर ज़्यादा झुकी हुई होती हैं उसमें क्या होता है, वो एंगल छोटा होता है, और जो रे एक दूसरे से दूर होती है उनमें एंगल क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि ये एंगल बड़ा होगा, है ना। वैसे भी हमने इसको मेज़र किया तो ये 65 डिग्री आ रहा है और ये 40 डिग्री आ रहा है। तो विच एंगल हैज़ ए लार्जर मेजर, तो लार्जर मेज़र हो गई एंगल क्यू, एंगल क्यू इज़ लार्जर, हम क्या लिख देंगे, एंगल क्यू इज़ लार्जर, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।